नमस्कार दोस्तों, UTV न्यूज़ 24 की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज बहुत ही घमासान मुकाबला खेला गया हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के बीच में। दुबई के मैदान पर IPL 2020 का ये 14वां मुकाबला था और ये मुकाबला बहुत ही घमासान खेला गया। सबसे पहले हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया, जैसा कि हर बार नहीं होता है। IPL 2020 में पहले मैच में हुआ है कि किसी कप्तान ने पहले टॉस जीतकर और बल्लेबाजी करने का फैसला किया हो। हैदराबाद की ओर से डेविड वार्नर के साथ बेयरस्टो बैटिंग करने आए। हालांकि बेयरस्टो केवल 3 बॉलों का सामना करते हुए दीपक चाहर ने अपने पहले ही ओवर में चलता कर दिया। उसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने 29 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली, मगर फाफडू प्लेसी के हाथों पीयूष चावला ने इनको आउट करवा दिया। और उसके बाद केन विलियमसन से बहुत बड़ी उम्मीद थी हैदराबाद को, मगर केन विलियमसन भी यहां पे चलते बने 9 रन बनाने के बाद। उसके बाद दोस्तों मैदान में तूफान आया प्रियम गर्ग का। ये दोस्तों जिस खिलाड़ी से उम्मीद नहीं थी उसने आज कमाल करके दिखा दिया, हैदराबाद को हारा हुआ मैच जिता दिया। प्रियम गर्ग ने 26 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन की नाबाद पारी खेल डाली और यही वो कारण रहा कि हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं दोस्तों बात करें अभिषेक शर्मा ने भी 24 बॉलों का सामना करते हुए 31 रन की विस्फोटक पारी खेली, मगर दीपक चार ने धोनी की हाथों इन्हें कैचआउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अंत में अब्दुल समद ने भी 6 बॉलों का सामना करते हुए 8 रन बनाए नाबाद। और दोस्तों इस तरीके से देखते हुए हैदराबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में 164 रन बना डाले, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग की टीम इस वाले मुकाबले को 19 ओवर में ही जीत जाएगी, मगर दोस्तों बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे 19 बॉलों का सामना करते हुए फाफडू प्लेसी केवल 22 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों बार्सन केवल 6 बॉलों का सामना करते हुए 1 रन ही बना पाए, भुवनेश्वर ने इनको बोर्ड मार दिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले 3 ओवर तक केवल 5 रन का स्कोर था चेन्नई सुपर किंग का, जो अपने आप में हार का बहुत ही बड़ा कारण है स्लो खेलना स्टार्टिंग से ही। वहीं दोस्तों मैं आपको आगे बताऊं तो अंबाती रायडू को ना चलना ये भी बहुत बड़ा हार का वजह है चेन्नई सुपर किंग का। अंबाती रायडू केवल 9 बॉलों का सामना करते हुए 8 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों केदार यादव भी 3 रन बनाकर चलते बने 10 गेंदों का सामना करते हुए। उसके बाद हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने आकर पारी को संभाला, मगर जीत दिलाने में नाकाम रहे। 36 बॉलों का सामना करते हुए 47 रन की विस्फोटक पारी खेली नाबाद और जिस दौरान 4 चौके और 1 छक्का भी लगाया। वहीं दोस्तों बात करूं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया 35 गेंदों का सामना करते हुए, 5 चौके 2 रन 24 छक्के लगाए। तो वहीं अंत में सिम करण ने 5 गेंदों का सामना करते हुए 15 रन बनाए नाबाद और अंत में बहुत एक लंबा छक्का भी लगाया था, मगर दोस्तों यहां पे ये टीम को हार का सामना करना पड़ा था 7 रन से। और अब दोस्तों आगे देखना होगा जो परसों वाला मैच होने वाला है चेन्नई सुपर किंग वर्सेस पंजाब के बीच में, जो 3 हार के बाद क्या जीत पाएंगे आने वाले मुकाबले को चेन्नई सुपर किंग की टीम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से, ये बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में। अगर दोस्तों आपको इसका जवाब पता हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए UTV न्यूज़ 24।